स्वागत है आप सभी को। मैं हूं सरपुल शेख और आप लोग देख रहे हैं सच भारत टीवी। आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा गोदी मीडिया बॉयकॉट और खासकर जो सुदर्शन टीवी चैनल है उसके पत्रकारों को ऊपर ये नारे लगाया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुदर्शन यूट्यूब चैनल व गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाया गया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नफरत का बीज होने वाले गोदी मीडिया का बॉयकॉट शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 2024 से पहले जो गोदी मीडिया नफरत का बीज बोने लगते हैं, जो गोदी मीडिया एक दूसरे के अंदर नफरत फैलाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो सके, खासकर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको फायदा मिल सके, इसलिए ज्यादातर हिंदू मुस्लिम किया जाता है चुनाव से पहले, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम किया जाता है। इसी वजह से जो जमीनी स्तर पर जो जमीनी जनता है वो अब गोदी मीडिया बॉयकॉट के नारे लगाने लगा है। आपके स्क्रीन पर जंतर मंतर का ये वीडियो पहले देखिए, फिर आगे आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। सुदर्शन टीवी की जो एंकर है वो यहाँ पर आई है, गो बैक गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। सुदर्शन मीडिया पर देख सकते हैं कि जो है पत्रकारिता पर जो हमला हो रहा है वो पत्रकारिता पर हमला पत्रकारों की एक जमात के कारण हो रहा है, पत्रकारों की उस जमात के कारण जिस जमात ने तय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तलवे चाटना ही पत्रकारिता है। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता के नेक पेशे को कलंकित किया है और ऐसे लोगों से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों का विरोध बहुत जरूरी है। सुदर्शन चैनल लगातार देश में हिंदू मुसलमानों का विद्वेष और हिंदू मुसलमान दंगे फैलाने का काम करती है। हमने इसी जंतर मंतर पे देखा था जब सुदर्शन चैनल के लोग गुरुकुलों के भीड़ लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास ना वैचारिकी है ना ही इनके पास कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट होता है। इन लोगों का मुख्य काम देश को तोड़ना और सरकार की तलवे चाटना है। इन चाटुकारों की वजह से पत्रकारिता कलंकित हुआ है, इन चाटुकारों की वजह से पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है और इन चाटुकारों की वजह से पत्रकारिता पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लगातार हमला हो रहा है। इन लोगों ने देश को बांटने का, देश को तोड़ने का काम किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ ये नागरिक धर्म है कि खड़ा हुआ। शुक्रिया। आप लोगों ने कि गोदी मीडिया इतना नीचे गिर चुका है कि अब उसे जनता के पास जाना भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा गोदी मीडिया के कोई भी जो डिबेट होते हैं उसमें ज्यादातर हिंदू मुस्लिम और नफरत देखने को मिलता है। इसी वजह से अब जनता जो कि जागरूक हो चुका है, जनता जो कि अब जाग चुका है और जहां पर भी गोदी मीडिया देखते हैं गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाया जाता है, गोदी मीडिया बॉयकॉट के नारे लगाया जाता है। आप लोगों ने तो देखा सब कुछ किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाया गया और गोदी मीडिया बॉयकॉट के नारे लगाया गया। इस वीडियो में आपका क्या राय है, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर।